अविनाश, ये भी एक तस्वीर के ऊपर निर्भर है और वहीं से आधारित है। यहाँ दिखाए गए डाक टिकटों में जी, इनमें से क्या दर्शाया गया? जी सर। Which of these is depicted on the stamps shown here? जी सर। पहले टिकट देख लीजिए। तीन अलग अलग मुद्राएं बनी हुई है। जी सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूँ, ऑप्शन रखता हूँ, शायद आपका ध्यान जो है और बेहतर हो। ऑप्शन देखिए, ए प्लैनेट्स, बी जोडियक साइन, सी टेंपल्स, या डी फेस्टिवल। ग्रह, राशि चिन्ह, मंदिर जी, या त्योहार। सर जहाँ तक ये इमेज दिख रहा है मुझे, सर इमेज के हिसाब से जो पहला जो तराजू, हमारे गांव में तराजू बोलते हैं बिल्कुल, लेकिन हिंदी वर्ड में उसको तुला बोलते हैं। जो मछली दो है, मछलियां हैं, उसको मिथुन बोलते हैं या मीन बोलते हैं? सर राशि चिन्ह है ये। तो क्या करना चाहिए सर, इसको लॉक करना चाहूंगा? बी राशि चिन्ह, ज़ोडियक साइन पे ताला लगा जाए। ताली पहले बजे भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने, अनुमान भी लगाया आपने। 2010 में राशियों को दर्शाते हुए 12 डाक टिकट जारी किए गए थे, 12 राशि होती हैं। तो ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1,60,000 रुपए जीत गए भाई साहब। जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर, अब एक चेतावनी है आपके लिए। जी सर। अगला प्रश्न जो है ये है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है ये। जी सर। 3,20,000 रुपए मिलते हैं इसके लिए। जी सर। तो ये इस एक मौके पर आप बिल्कुल चांस मत लीजिएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आप। जी सर। ठीक है। जी सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बादल के प्रकार निम्बोस्ट्रेटस और क्यूमुलोनिम्बस में निम्बो और निम्बस क्या दर्शाते हैं? इन द क्लाउड टाइप्स निम्बोस्ट्रेटस एंड क्यूमुलोनिम्बस, व्हाट डू द निम्बो एंड निम्बस इंडिकेट? ये बादल के प्रकार, ऑप्शन सुनिए। ए व्हाइट कलर्ड, बी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड, सी हाई इन द एयर, या डी रेन बेरिंग। क्या ये सफेद रंग है, क्या ये कृत्रिम रूप से प्रेरित, क्या ये हवा में बहुत ऊंचे, या डी वर्षा देने वाले? सर मुझे आइडिया नहीं आ रहा इसका बिल्कुल भी, लेकिन निम मतलब सर मैं लाइफ नहीं लेना चाहूंगा अभी। शांत हो जाइए, बाजू मत लीजिए, तीनों जीवित है, कौन से लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस के साथ audience जाना चाहूंगा। ओके, ऑडियंस वोट लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कमेंट। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। डी रेन बेरिंग, वर्षा देने वाले, इनको सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 50% मिला है। जी सर। ए को मिला है 2, बी को मिला है 30 और सी को मिला है 18%। मैं सर देश की जनता के साथ जो अलग अलग प्रांतों से आई हैं सर, मैं उनके साथ जाना चाहूंगा। okay. और ऑप्शन डी को, वर्षा देने वाले को लॉक करना चाहूंगा। डी रेन बेरिंग, वर्षा देने वाले, डी पे ताल लगा जाए। नहीं, नहीं, कौन ताली बजाए, बैठ जाइए भाई साहब। बादल के प्रकारों की बात हो रही थी, निम्बोस्ट्रेटस क्यूमुलोनिम्बस की, और सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया आपने डी को, जो कि रेन बेरिंग का है। बी को 30% मिला था, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। अगर आप बी करते तो भाई साहब गलत हो जाते, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मान्यवर, 3,20,000 रुपए आपने जीत लिया और ये चेक आ गया है 3,20,000 रुपए का, तालियां बज जाएं के लिए। शुक्रिया। निम्बस जो है
क्यूमुलोनिम्बस और निम्बोस्टेटस दो प्रमुख प्रकार के बादल हैं जी, जो वर्षा का कारण बनते हैं। सर शुक्रिया। हाँ जी, आप सभी को शुक्रिया कि आपने मुझे मुझे नो डाउट मुझे केबीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने इतने अलग अलग राज्यों से आए, आप मेरे तो सपोर्ट कर रहे हो, मेरे चेयर कर रहे हो। अब मेरे घर जा तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो और इसके लिए शुक्रिया। और आप लोगों ने मुझे जितवाया है, सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया। तो खेल की ओर अभियान, अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न, मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। रेडी सारा? नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था? गीतांजलि श्री। विच ऑथर ऑफ इंडियन ऑरिजिन वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज इन द ईयर 2023? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, चंपा लहरी, बी निकिता लालवानी, सी चेतना मारो, डी शशि देशपांडे। I don't know. Shortlisted book of prize. सही उत्तर देंगे 1,60,000। न मालूम हो तो आपके पास तीनों लाइफलाइन है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। Let's call लाइफलाइन यूज कर रहे हैं। Can we stop the time? शांत हो जाइए बागुमती जी। Okay. 32 सेकंड पे गाड़ी रुक गई है। Okay. और कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ऑडियंस बोल है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। क्या करना है? वीडियो कॉल। श्वेता हम वीडियो कॉल करेंगे। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय और रिंकू दी और सारा, आपने तीन नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये है वो तीन नाम, श्वेता बंसल, यश सिंगल एंड सैफ, सैफ अली खान। श्वेता, श्वेता बंसल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मित्र है आपके साथ में, कॉलीग और एनीथिंग? श्वेता जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? वेरी वेल सर, थैंक यू। ओके, आपको मालूम है कि शर्मिला जी और सारा अली ये हमारे सामने हॉट सीट पर हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। सारा विल आस्क द क्वेश्चन इन हर वॉइस एंड द मोमेंट शी स्टार्ट्स आस्किंग द क्वेश्चन द क्लॉक विल ऑल्सो स्टार्ट। ओके, शी कांट से हाय हेलो, सो सॉरी फॉर दैट। आप बोल दो। जब तक आप पढ़ना शुरू नहीं करेंगे तब तक वो नहीं चलेगी घड़ी, घबराइए मत। ओके ओके, ठीक है। आप हाय हेलो बोलिए, जाकर के कबड्डी खेलना चाहे उनके साथ, लेकिन जहाँ आपने प्रश्न पढ़ना शुरू किया तब घड़ी चल पड़ेगी। ऑलराइट, ओके। श्वेता बंसल जी गेट रेडी, द नेक्स्ट वॉइस यू हियर इज दैट ऑफ सारा एंड शी इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन। Now, yeah. Okay, Shweta ji, hi, hello, bye. Okay, which author of Indian origin was shortlisted for the Booker Prize in 2023 this year? Jhumpa Lahiri, Nikita Lalwani, Chetna Maru, or Shashi Deshpande? Hello, which author of Indian origin was shortlisted for the Booker Prize? It's Chetna Maru. Are you sure? Yeah, I'm kind of confident. Chetna Mar. Kind of? Okay, we're gonna go for it. Okay, I guess we can smile for 7 seconds, because why not, right? We've just been connected on national television. Okay, they'll cut up anyway. Okay, bye. She's making the most of it. See, Chetna Maru. Jayenge yeah, we'll just trust her. All right. See, Chetna Maru pe thal laga jaye, dekhe. Here's the right answer. चेतना मारू अपनी पुस्तक वेस्टर्न लेन के लिए शॉर्टलिस्टेड हुई और जो उनकी पहली पुस्तक है वो भारतीय मूल की है लेकिन वो ब्रिटेन में पढ़ी और पली हैं। तो देवी और सज्जनों, सारा अली खान जहाँ भी जाती हैं उनके पहले उनका नमस्ते दर्शकों और उनके नॉक नॉक जोक्स हैं वो पहले पहुँच जाते हैं। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब से हमारे दर्शकों को पता चला है कि शर्मिला जी और सारा जी यहाँ हमारे हॉट सीट पर आने वाले हैं, सोशल मीडिया के पन्ने फट फट के आ रहे हैं और इनके फैंस जो हैं बहुत सारे प्रश्न जो हैं इन्होंने भेजे हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो
तो आपके फैंस ने प्रश्न भेजे, एक एक करके आएंगे और आप लोगों से अलग अलग उत्तर मांगा जाएगा। ओके। उस उत्तर को आप अपने क्यू कार्ड पे लिखिएगा और फिर बाद में हम आपको बताएंगे किसने क्या कहा, ठीक है? पहला प्रश्न डाला जाए यहाँ। पटौदी खानदान में सबसे ज्यादा हक कौन जमाता है? हक कौन जमाता है? आपको अपना उत्तर लिखना पड़ेगा। रेडी। रिंकू दी, पहले आप बताइए क्या? सारा अली खान। आप बताइए अपना। मैंने लिखा अब्बा। रिंकू दी, आपने इनका नाम क्यों लिखा? When Ibrahim was born, I gave my earrings, which I wore for my wedding, to Amrita, as that when Ibrahim grows up, it will be for Ibrahim's bahu. Right. To guess who's taken it? इन्होंने ले लिया। But yeah, yeah. Okay. Yeah, since Ibrahim has nothing to do with it, how is that possible? All right. एक और प्रश्न आएगा अब आपके सामने। Ready? दूसरा प्रश्न डाला जाए। रविंद्र पुरी जी, पटौदी खानदान में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? उत्तर दीजिए। सबसे अच्छा खाना, बहुत जल्दी सारा ने अपना जवाब लिख दिया है। ओके, रिंकू दी, उत्तर बताइए। सैफ अली खान। सैफ, आप? आई अग्री, मैंने अपना जवाब बताया। चिकन करी या फिश करी खुद बनाता हूँ। भी